अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू डील डी एक्सटेंशन के रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो आगाज़ करते हैं। तो कल भी हम आए थे डी एक्सटेंशन की, हमने वीडियो बनाई थी। तो आज वाली वीडियो में और कल वाली वीडियो जो थी उसके अंदर आप क्लियर कट डिफरेंसेस देख सकते हैं। आज हम आपको साइट का कंप्लीट विज़िट करवाएंगे। यहाँ से आप देखें मशीनरी काम कर रही है, अभी छुट्टी का टाइम हो चुका है जिसकी वजह से मशीनें जो सी अपने अपनी जगह पे वापस जा चुकी है। वो सामने मशीन्स जो सी हैं वो खड़ी हुई हैं, ये यहाँ से आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है और सीवरेज का काम भी यहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा जिधर जिधर इन्होंने सीवरेज के पाइप्स वगैरह डालने हैं वहाँ पर इन्होंने खुदाई कर दी हुई है। अब ये सारा एरिया देखेंगे, यहाँ से इन्होंने ये खुदाई वगैरह कर दी हुई है और ये वाला एरिया भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने खुदाई वगैरह कर दी हुई है। सीवरेज के पाइप्स जो से है वो बकायदा तौर पे प्रॉपर यहाँ पे डलना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट फेज़ के अंदर यहाँ पे सब बेस डलेगी, मशीन यहाँ पर काम कर रही है खुदाई के लिए ताकि यहाँ पर सीवरेज के पाइप्स वगैरह डाले जा सके यहाँ पर। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा आगे जा के भी व्यू दिखाता हूँ। तो ये एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं और ये पाइप्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने डाले हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। तो आपको मज़ीद मैं आगे जाके विज़िट करवाता हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से हम आपको साइट का विज़िट करवा रहे हैं। बाकायदा तौर पे यहाँ पे एरिया भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जितना काम हो चुका है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पाइप्स वगैरह डाल चुके हैं सीवरेज के। और ये एरिया भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर खुदाई वगैरह करना स्टार्ट कर दी है। ये भी एरिया आप देख सकते हैं और इस साइड पे आएंगे तो ये एरिया भी आप देख सकते हैं। तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अगर कोई भी क्लाइंट यहाँ पे अपनी फाइल को एडजस्ट करवाना चाहता है, मर्ज करवाना चाहता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है यहाँ पर। और ये एरिया भी आप देखें, कटिंग वाला एरिया सारा काफ़ी काम हुआ है, लैंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेवल हुई है। तो मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से ये वाला एरिया देखें आप, बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ये एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा एरिया जो सा है ये प्लेन कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लाट्स बुक हो रहे हैं, हमने भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्लाट्स वगैरह बुक करवाए हैं। आज भी हमने एक दो प्लाट यहाँ पर बुक करवाया है। तो कोई भी क्लाइंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह हम उसकी बेस्ट डील जो सी होगी वो बनवा के देंगे। और यहाँ पे भी खुदाई वगैरह हो चुकी है, यहाँ पे सीवरेज के पाइप्स वगैरह आप डलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे खुदाई हो चुकी है और ये एरिया भी आप देख सकते हैं। तो कम्प्लीट साइट का विज़िट मैं करवा रहा हूँ आपको डी एक्सटेंशन की। और यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर काम यहाँ पे हुआ है, ये एरिया देखें आप, यहाँ पे भी प्रॉपर काम हुआ है और यहाँ पे भी सीवरेज के पाइप्स के लिए खुदाई हो चुकी है। मेरी आज वाली वीडियो को आप कल वाली वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पे काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। और ये एरिया देखें आप, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ है। तो कोई भी क्लाइंट यहाँ पे अपनी फ़ाइल मर्ज करवाना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको डी एक्सटेंशन का एरिया दिखा देता हूँ, वो सामने आपकी बाउंड्री वॉल है और यहाँ पे ये जो एरिया, यहाँ पे आपकी मस्जिद आएगी, यहाँ पे कमर्शल्स आएंगे आपके और ये 60 फीट वाइड रोड होगी सेंटर में। और ये सारा एरिया आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कोई भी क्लाइंट यहाँ पर अपना प्लॉट बुक करवाना चाहता है वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह बेस्ट डील बनवा के देंगे आपकी। तो आपकी किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो सिटी हाउसिंग जेलम के रिलेटेड, सिटी हाउसिंग खारियाँ के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। आपके लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।